हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र और आज की हम वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। अगर आप लेकिन इससे पहले और वीडियोस देखना चाहते हो मार्केटिंग मैनेजमेंट की या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के सब्जेक्ट की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेलिस्ट है वो। आप जाके जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में होता क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक मार्केटिंग के अंदर होती है, किसी भी आगे के स्टेप को फॉलो करने से पहले। यानी कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब इज स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल डू और डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। यानी कि हम प्रोडक्ट जर्नी के अंदर उतर रहे हैं, कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट को कब खरीदता है, व्हेन, व्हाई, क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है, कहाँ खरीदता है। तो ये सब चीजें हम समझने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। हम ये स्टडी करते हैं कंज्यूमर की साइकोलॉजी को, समझते हैं कंज्यूमर कैसे डिसीजन बनाता है बाइंग करने का, कब खरीदता है। तो वो हम इसमें समझेंगे। तो इट अटेम्प्ट टू बो द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे बनाता है बायर, बहुत इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। सो इंडिविजुअली या ग्रुप में कैसे बनाता है, तो इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मेन फोकस इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिकॉज हमारा मार्केटिंग में सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना। कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा मार्केटिंग के एफर्ट बिल्कुल सही आ रहे। तो कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा जब पहले कस्टमर को समझेंगे कि भाई कस्टमर है क्या, कैसे खरीदता है प्रोडक्ट वो। बिकॉज कस्टमर इज द ओनली पर्सन विद प्रेजेंस, हुज प्रेजेंस बिजनेस एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसके बिना बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कंज्यूमर बिहेवियर को थोड़ा सा और समझे तो कंज्यूमर वही चीज है, इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू स्पेंड अवेलेबल रिसोर्स। यानी कि कैसे वो अपना खर्चा करते हैं, अपना टाइम, मनी, एफर्ट का लगा के। इसमें हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को, कंज्यूमर को स्टडी करते हैं कि वो कैसे सर्च करता है, कैसे सेलेक्ट करता है प्रोडक्ट को, कैसे यूज करता है, कौन यूज करता है। क्योंकि तो अगर हम ये समझेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट बनाने से पहले की स्टडी होती है। प्रोडक्ट बनाने से पहले सब कुछ भी करने से पहले पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझा जाता है, तब जाके हम पहले प्रोडक्ट बनाना उसके बाद स्टार्ट करते हैं और कस्टमर की जर्नी तक उतरते हैं। उसके बाद हम मार्केट सेगमेंटेशन भी बाद में करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज पीपल इंगेज, कि वो कैसे सर्च करता है प्रोडक्ट को, कैसे सेलेक्ट करता है। क्योंकि तो अगर हमें ये पता होगा कैसे सर्च करता है, कैसे सेलेक्ट करता है, कौन यूज करता है, तो उसके इर्द गिर्द सारी मार्केटिंग करेंगे कि बेचना किसको है। एक्चुअल में हमें उसको यूज जो करेगा उसको नहीं बेचना, हो सकता है यूज करेगा छोटा बच्चा, हमें उसको बेचना है जो बाय करेगा, उसको बेचना है प्रोडक्ट। सो द एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे कि भाई कैसे वो एक्टिविटी करता है, कैसे कंज्यूमर अपना पूरा का पूरा कंज्यूम करता है और कौन डिस्पोज करता है। डेफिनेशन की बात करें तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन दिया कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है, कि द डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ कोइनिशन। कोइन, ये देखो, ये कोइनिशन मतलब साइकोलॉजिकल होता है कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोइनिशन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल इवेंट्स बाय विच ह्यूमन बींग्स कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ देयर लाइफ्स। मतलब वो ही बात कर रहा है, एक्सचेंज मतलब प्रोडक्ट को। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट या सर्विस कैसे ह्यूमन खरीदते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन के लेवल पे समझना, बिहेवियर समझना, उसका इन्वायरमेंटल क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर खरीदता है। और समझे तो कंज्यूमर बिहेवियर द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स, इंडिविजुअल की स्टडी करना, ग्रुप की या ऑर्गेनाइजेशन की, एंड द प्रोसेसेस दे यूज टू सेलेक्ट, सिक्योर, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं, कौन यूज करता है, कौन डिस्पोज कर देता है, कौन खत्म करता है प्रोडक्ट को, बेच देता है। सो सर्विसेज या कोई भी एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है वो, सर्विस भी हो सकता है, कुछ भी। सो वही चीज लिखी हुई है कि उसके हम स्टडी को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो बिहेवियर अकर्स आइदर फॉर द इंडिविजुअल और इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रुप। कह रहा है कि बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप के कंटेक्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ अ पर्सन वियर्स। कभी कभार बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई ये कपड़े, ये आपने क्यों नहीं खरीदा ये शर्ट, तो उसे बोलते हैं ग्रुप के बिहेवियर। ग्रुप से वो ही बिहेव वो कर रहा है। एक होता है इंडिविजुअल, उसके अंदर से आया कि मुझे ये शर्ट खरीदनी है, या ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ऑन द जॉब मेक डिसीजन एज टू विच सर्विस द फर्म यू शुड यूज।
ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि भाई आपको ये शर्ट वियर करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, तो ऐसे कई सारी चीजें छड़ी होती है। करेक्टर से समझे तो वो चीज है, इट इज अ प्रोसेस वेयर कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, कैसे खरीदना, कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है, ये सब डिसाइड करता है कंज्यूमर बिहेवियर में। इट कंप्राइजेज बहुत बहुत मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल भी है कि वो खरीदने से पहले सोचने की एक्टिविटी भी है और खरीदने की भी एक्टिविटी है। कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसके दिमाग को स्टडी करना पड़ता है हमें। इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल फैक्टर। अगर इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर की बात करें तो उसके नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसे क्या एटीट्यूड है, क्या मोटिव है। एक्सटर्नल फैक्टर भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि सोशल ग्रुप्स, कल्चर कहाँ रहता है, क्या कैसा इन्वायरमेंट है। सो कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट बिफोर बाइंग, बाइंग से पहले स्टार्ट होता है और आफ्टर बाइंग भी चलता रहता है, क्योंकि भाई आफ्टर बाइंग आपको समझ में आता है कि अब इस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदना कि नहीं खरीदना। तो ये करेक्टरिस्टिक है, समझ आएगा वो कुछ करेक्टरिस्टिक। बेसिक वही है कि कंज्यूमर की जर्नी को समझना कि कंज्यूमर कैसे खरीदता है प्रोडक्ट को, कहाँ खरीदता है, कब खरीदता है, क्यों खरीदता है, पूरी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इंफ्लुएंस होती है, और ये बाइंग से पहले और आफ्टर बाइंग भी चलती रहती है। इंपोर्टेंस की भी बात करें तो साथ में, तो इसका मतलब यही है, इंपोर्टेंस क्या है, टू मेक बेटर स्ट्रेटेजी। आप बेटर स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि भाई कैसे, अगर आपको समझ में आ जाए कस्टमर कैसे खरीदता है प्रोडक्ट को, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वैसे बनाओगे, ठीक है ना, आप सारी प्रमोशन वैसे ही करोगे कि भाई किसको बेचना है, प्रमोट प्रमोशन में जिंगल भी वैसे इस्तेमाल करोगे जैसे कंज्यूमर खरीदना चाहता है, जिससे खरीदता है वो। आप प्रोडक्ट वैसा बनाओगे वो यूज कौन करेगा, तो ये सब चीजें पता होगी तभी तो हम समझ में आएंगे ना किस टाइम पे, सही टाइम पे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कब खरीदता है वो, कैसे खरीदता है। टू टेक इनटू कंसिडरेशन कस्टमर हेल्थ हाइजीन फिटनेस। अब कस्टमर की हेल्थ हाइजीन फिटनेस को भी हम ध्यान दे सकते हैं अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेंगे, वरना हम कंज्यूमर को बेचने लग जाएंगे। टू नो द बाइंग डिसीजन एंड हाउ द कंज्यूमर मेक कंजम्पशन। आपको बाइंग डिसीजन समझ में आता है कि बाइंग डिसीजन कैसे लेता है वो, और उसके हिसाब से आप प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो, और कंज्यूमर कैसे कंजम्पशन करता है, और कंसिस्टेंट चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपको समझ में आता है कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसे बदलता है अगर आप इसकी कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करोगे। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज नेसेसरी टू मेक, वो मैंने बताया ना, प्राइसिंग पॉलिसीज, क्योंकि आपको पता है कि भाई कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट वो खरीदना है, तो आपको प्राइस समझ में आ जाएगा कितना लेना है। फ्यूचर मार्केट फेलियर कम से कम होगा अगर आपको पहले समझ में आ जाए कि कस्टमर खरीदने का प्रोसेस क्या है उसका, तो पहले ही समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में कैसे मार्केटिंग करनी है, तो फेलियर कम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि कंज्यूमर बिहेवियर का फैक्टर क्या क्या है, कि कैसे वो कंज्यूमर बिहेवियर उसका फैक्ट होता है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला होता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल सच एज उसके कलीग्स हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइसेस लेने के लिए कि क्या कैसा लाइफ स्टाइल उसको जीना है, उसके हिसाब से लेते हैं। जैसे कि अब सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं आईफोन, तो आपको इसकी भी हो जाता है, तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वैसे बनाओगे कि भाई उसके दिमाग में चले कि देखो हमारे साथ वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मैं भी यूज करूंगा, तो आईफोन अपने आप मिलेगा वो। तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओगे उसे फ्रेंड से रिलेटेड बनाओगे कि उसका फ्रेंड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, फैमिली फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वही आपका पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन को ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत पता चलता है, तो आप पेरेंट्स को टारगेट करोगे फिर, ताकि क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स खरीदने मजबूर करते हैं चिल्ड्रन को। रोल स्टेटस होता है कि कभी कभार कस्टमर का ना कुछ रोल होता है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि पर्सन में, जैसे कि कोई अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो वो ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा हायर स्टेटस के, है ना, कार लेना चाहेगा, शूज लेना चाहेगा, तो आप उनको टारगेट करोगे ऐसे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा हायर पोजीशन में है किसी कंपनी के अंदर तो वो करेगा, तो आप प्रोडक्ट भी उनके लिए बेटर डिजाइन करोगे, ये चीज होती है, आपको पता होना चाहिए। फिर कल्चरल फैक्टर होते हैं, रिलीजन क्या उसका, भाई अगर रिलीजन ऐसा है कि वो टैबाको एल्कोहल का सेवन नहीं करता है तो आप ऐसी ऐड नहीं बनाओगे उस कस्टमर के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, पता ही नहीं आपको, तो आप गलत ऐड बना दोगे। सो सब कल्चर होते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या है,
ईच कल्चर कंसिस्ट ऑफ सब कल्चर दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक आइडेंटिटी, मतलब नेशनलिटी इसकी क्या है, रेशियल ग्रुप, लैंग्वेज क्या है, कैसा रीति रिवाज है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ सोच समझ के एक प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है और एड भी बनानी है, प्रमोशन वैसे ही करना है। सोशल क्लास क्या है कि भाई वो किस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, कास्ट सिस्टम क्या है, ओबीसी कैटेगरी क्या है, एससी का है, कैसे वहां पर इंफॉर्मेशन, मेंबर आपस में वैल्यू इंटरेस्ट क्या है उसका, कैसे वो मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, बहुत सारी चीजें होती है। पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं कि भाई उसकी एज क्या है, अगर उसकी एज ऐसी है टीनेजर है तो टीनेजर चाहेगा कि मैं वो चीज वगैरह ऐसी चीजें खरीदूं, ना कि वो बड़े बड़े वाले प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, बड़े बुजुर्ग वाले। ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहेगा कि मैं फॉर्मल वाली चीजें खरीदूं। तो आप कैसे कस्टमर को टारगेट कर रहे हो उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं समझा कि उसकी एज क्या, फैक्टर क्या है, आपको ये नहीं पता कि उसकी एज के हिसाब से कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है, तो आप गलत ऐड बना दोगे। जेंडर आपको पता ही नहीं है कस्टमर का, भाई गर्ल प्रिफर करती है फेमाइन पिंक कलर वगैरह, बॉय ऐसा कलर प्रिफर करते हैं, तो आप पैकेजिंग ये सब चीजों को ध्यान में रखोगे ना। वैसे एजुकेशन कस्टमर क्या है, अगर बहुत एजुकेटेड है तो आप बुक्स पर खर्चा जरूर करेगा वो, तो आप ये सोच के अपनी एड, अपना मार्केटिंग मैसेज वैसे डिलीवर करोगे। इनकम लेवल भी देखनी पड़ेगी, लो इनकम का है, हाई इनकम का है, स्टेटस क्या है उसका, कि वो लग्जरी आइटम, लग्जरी कार, जैसे कि आप दिल्ली में जाओगे तो बहुत सारे लोग लग्जरी कार, लग्जरी वॉचेस, ये सब चीजें पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर कि मैं भी देखो बहुत अमीर हूँ। ये उसके हिसाब, तो वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है उसके हिसाब से। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर कस्टमर को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसकी लर्निंग क्या है, कि भाई अगर वो इन एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है, जैसे कि कस्टमर बाय अ न्यू ब्रांड ऑफ शैम्पू इज सेटिस्फाइड विद इट, ही इज लाइकली टू ब्रांड लॉयल, मतलब कभी कभार कस्टमर नई नई चीजें खरीदना चाहता है तो उसके हिसाब से नया ब्रांड आ जाता है। नया ब्रांड को अगर आना है तो लर्निंग वाले कस्टमर को फॉलो करा जाए। एटीट्यूड होता है कभी कभार, अगर कस्टमर का पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है, कैसा है, तो उसके हिसाब से फिर ब्रांड को वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। मोटिव क्या है भाई, अगर उसका मोटिव ऐसा है कि मुझे खरीदना ही खरीदना है तो वैसे ही आप बिहेवियर करो ना। परसेप्शन देखनी पड़ेगी, कस्टमर परसीव कैसे करता है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है। स्टूडेंट में परसीव स्पोर्ट्स डे एज अ इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही आपको कोई अलग स्टूडेंट है जो कि कैजुअल लेगा उस बात को, लेकिन कोई स्पोर्ट नहीं डे वन। मिक्स कैसा आप लेना चाह रहे हो उसको भी इफेक्ट करता है, आपका मार्केटिंग क्या है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट पहले से है, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पहले से है तो उस प्रोडक्ट का फीचर भी कस्टमर को, बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सपोज कर आपको प्रोडक्ट के फीचर बहुत अच्छे हैं, यूनिकनेस है, पैकेजिंग अच्छी है, तो कस्टमर को खरीदने में मजबूर करेगा अपने आप। प्राइसिंग भी डिफेंड करती है, अगर आपकी प्राइसिंग अच्छी खासी है, कोई आप प्रीमियम प्राइसिंग कर रहे हो तो वो अपर इनकम को अपील करता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी प्रेफर करती है। छोटे लोग, मतलब स्मॉल इनकम वाले लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा आपको किस तरीके के लोग हैं। प्रमोशन देखनी पड़ेगी, आपका प्रमोशन आप कैसे कर रहे हो, अगर आपकी प्रमोशन ऐसी है जो कि बहुत बढ़िया चीज है, जैसे कि पब्लिसिटी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ये भी कस्टमर को इफेक्ट करती है। अगर आपका सही प्रमोशन होगा तो कस्टमर उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट लेगा। प्लेस भी देखना पड़ता है कि आप कैसे चैनल को फॉलो कर रहे हो, ऑनलाइन दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं कि भाई आपके कस्टमर कहाँ खरीदते तो गड़बड़ हो गया। अगर ये नहीं पता होगा इन्फ्लुएंसर, मतलब ये रहता है इन्फ्लुएंस, आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि फ्रेंड्स ने कहा कि भाई ये गा ले लो, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको टारगेट नहीं करना आपको, ये रहता है गेटकीपर, मतलब फैमिली मेंबर हु कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू द फैमिली। फैमिली मेंबर होते हैं जो कि कुछ लोग कंट्रोल करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सर्विस आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, तो गेटकीपर होते हैं, उनको भी मेन टारगेट नहीं करना आपको, इनिशिएटर होता है, जो पहली बार किसी चाहिए, ये सूट चाहिए मेरे को,
ठीक है, उन्होंने उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने बाद आगे पापा को फैलाई, पापा ने खरीदा। ये इनिशिएटर होते हैं, गेट कीपर होते हैं कुछ, वो फैमिली मेंबर जो कंट्रोल करते हैं भाई यही आना चाहिए वो आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइडर इंपॉर्टेंट है, डिसाइडर है जो कि डिसीजन लेता है कि कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, उनकी जर्नी को समझना है हमें। ये कब बाय करते हैं, वो कैसे बाय करते हैं, वो पूरा प्रोसेस बनाते हैं कि मैं इस मार्केट में जाऊंगा, चार लोगों से देखूंगा, वहां से खरीदूंगा, ये डिसाइडर है। हमें मेन इनको टारगेट करना है। लेकिन एक और बायर भी होते हैं, जो फाइनली डिसाइडर बायर ऐसे लोग हैं जिनको हमें टारगेट करना होता है। बायर मतलब जो एक्चुअली खरीद के लाते हैं प्रोडक्ट को। तो हमें सबको समझना पड़ेगा, बायर को भी, डिसाइडर को भी, और साथ में यूजर को भी। यूजर मतलब जो यूज करेगा, हो सकता है कि पेरेंट खरीद के ला रहे खिलौना, लेकिन यूज कौन करेगा, एक छोटा बच्चा। तो हमें छोटे बच्चों को थोड़े टारगेट करना है, खरीदने वाले को टारगेट करना है। हालांकि प्रोडक्ट बनाना है बच्चों के हिसाब से, बट पेरेंट्स की जर्नी समझनी है। बायर तो वही है ना, डिसाइडर कौन है वो समझना पड़ेगा। उसकी मम्मी है तो मम्मी को पहले समझो, डिसाइडर कौन था, इनिशिएटर को समझो। ये सब चीजों को समझना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा। कस्टमर देखो डिसीजन मेकिंग कैसे पसंद होता है, सबसे पहले उसकी नीड होती है, नीड को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। उसकी नीड आती है कुछ खरीदना है मुझे, फिर वो इन्फॉर्मेशन सर्च मारता है, ऑनलाइन बैठेगा सर्च मारेगा या फिर मार्केट में जाके धक्के खाएगा, फिर ऑल्टरनेटिव देखेगा कि हाँ यार पांच दुकान में गया मैं, देखेगा कौन से सही है, फिर डिसीजन बनाएगा कि हाँ यार इस दुकान से खरीदना है। फिर आगे पोस्ट परचेज इवोल्यूशन होता है, मतलब अब यार ये खरीद तो लिया, मजा नहीं आया, दूसरे दुकान से खरीदते हैं, समझ लो बात को, ऐसा होता है। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आई होगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैला दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।